नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोगोठा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जोगोठा पॉल साइंस क्लासेज में। दोस्तों, मैं पिछले कुछ समय से आपको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लगातार वीडियो अपलोड करते हुए आ रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था 1919 के भारत शासन अधिनियम की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। तो दोस्तों, साइमन कमीशन का जो जिक्र है, ठीक है, वो हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम से वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1919 का भारत शासन अधिनियम जब भारत में लागू किया जा रहा था तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को लागू करते समय ब्रिटिश सरकार यह भी घोषणा करती है कि इन सुधारों की समीक्षा हम 10 वर्ष बाद करेंगे। तो इस प्रकार की घोषणा के परिणाम स्वरूप ही नवंबर 1927 में, यानी कि 2 वर्ष पूर्व ही, क्या करती है ब्रिटिश सरकार, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करती है। सर जॉन साइमन जो कि इस आयोग के मुख्य अध्यक्ष होते हैं, तो इनके नाम से इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, नवंबर 1927 में जब साइमन आयोग का गठन होता है, तो साइमन आयोग 1919 के जो सुधार हैं उनकी समीक्षा की एक रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट में साइमन आयोग 1919 में किए गए कुछ सुधारों को आगे कंटिन्यू करने की बात करता है। अब वो कौन कौन से सुधार हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइमन आयोग द्वैत शासन प्रणाली को आगे कंटिन्यू करने की बात करता है। उसके साथ साथ ही राज्यों में सरकारों का विस्तार को ये कंटिन्यू करने की बात करता है। ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करने की सिफारिश करता है और इसके साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश 1930 में साइमन आयोग के द्वारा की जाती है। दोस्तों, 1930 में जब साइमन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उस रिपोर्ट की समीक्षा या और उस पर चर्चा और परचर्चा करने के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जो 1930, 31 और 32 में संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, इन गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार ने भाग लेना था, साथ ही साथ भारत के वो प्रदेश ब्रिटेन ने जीते थे, यानी ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधित्व ने भी भाग लेना इसमें जरूरी था, और देशी रियासतों का भी भाग लेना इन गोलमेज सम्मेलनों में जरूरी था। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि भाई जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में होते हैं, उन गोलमेज सम्मेलनों में क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसको थोड़ा सा हम एक नजर उस पर डाल देते हैं। दोस्तों, आ जाइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है, इसलिए कांग्रेस भाग नहीं ले पाती है। इसी दौरान, यानी 1930 के दौरान जब कांग्रेस भाग नहीं लेती है, तो फिर क्या होती है, और 5 मार्च 1931 को गांधी और भारत के वायसराय इरविन के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते में दोस्तों क्या होता है, गांधी जी से इरविन के द्वारा बोला जाता है कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दीजिए, लेकिन गांधी जी भी एक शर्त रखते हैं, गांधी जी के द्वारा भी शर्त रखी जाती है। गांधी जी इस शर्त में सभी राजनीतिक बंदियों को जिन पे हिंसा का अपराध नहीं था उनको मुक्त करने की बात करते हैं। इस समिति के आधार पर गांधी इरविन समझौता होता है महात्मा गांधी और भारत के वायसराय इरविन के बीच। और इसके बाद दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तुम्हारा 1931 में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस क्या करती है, भाग लेती है, लेकिन जो सांप्रदायिक समस्या है उस समस्या से कांग्रेस सहमत नहीं होती है। इस तरीके से यह सम्मेलन क्या हो जाता है, पूरी तरीके से असफल होता है। दोस्तों, अब इसी सम्मेलन के दौरान एक सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा होती है। सांप्रदायिक पंचांग क्या है उसको देख लीजिए। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर मैकडोनाल्ड के द्वारा एक घोषणा की जाती है कम्युनियन अवार्ड की। इस घोषणा में बोला जाता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कि वो मुसलमानों के साथ साथ भारत के जो दलित हैं उनको भी पृथक निर्वाचन पद्धति में शामिल करना चाहती है। तो इस प्रकार की घोषणा से महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, और 20 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन अनशन प्रारंभ कर दिया जाता है इस प्रकार की घोषणा के परिणाम स्वरूप। और उसके बाद क्या होता है जब महात्मा गांधी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और दलित नेताओं के बीच होता है, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर के सीटों के आरक्षण की बात पर सहमति क्या होती है दोनों नेताओं के बीच, महात्मा गांधी और दलित नेताओं के बीच सहमति होती है, और इस प्रकार पूना पैक्ट खत्म हो जाता है, महात्मा गांधी का आमरण अनशन भी खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि तुम्हारा 1932 में होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया जाता है। इस गोलमेज सम्मेलन में फिर कांग्रेस क्या करती है, इसका बहिष्कार करती है।
इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के बहिष्कार करने से इस यह गोलमेज सम्मेलन फीका पड़ जाता है और इस गोलमेज सम्मेलन में 1935 के भारत शासन अधिनियम को अंतिम रूप दिया जाता है। तो दोस्तों हमने जिक्र किया कि भाई साइमन कमीशन किस तरीके से साइमन कमीशन का गठन होता है, फिर साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उस रिपोर्ट पे समीक्षा करने के लिए तीन गोलमेज सम्मेलन 1931, 31 और 32 में इंग्लैंड में प्रारंभ कर दिए जाते हैं। इन गोलमेज सम्मेलनों में जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो होता है उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है और कांग्रेस चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उस समय संलग्न होती है तो कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन में भाग नहीं लिया जाता है। इसी दौरान गांधी और इरविन के बीच क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस क्या करती है, भाग लेती है, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के कारण यह आंदोलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होने के बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम को अंतिम रूप दे दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।